यह बड़ी खबर है, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये सच है। भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। आबादी के मामले में उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। यह रिपोर्ट आज यानी 19 अप्रैल 2023 को जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख तक पहुंच गई है, जबकि चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख है। इस तरह अब भारत की आबादी चीन की तुलना में 2.9 मिलियन यानी 29 लाख ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में ही भारत के सबसे अधिक आबादी वाले देश बनने का अनुमान लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 25% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग की है, 10 से 19 वर्ष की आयु वाले लोग 18% हैं, जबकि 10 से 24 वर्ष की आयु वाले लोगों की तादाद 26% है। इस प्रकार भारत की कुल आबादी के 68% लोगों की आयु 15 से 64 वर्ष के बीच है। 65 वर्ष से ऊपर के लोगों यानी बुजुर्गों की तादाद सिर्फ 7% है। चीन जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत से बेहतर कर रहा है। कहने का मतलब यह कि वहां के लोग भारत की तुलना में लंबी जिंदगी जी रहे हैं। चीन में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 82 वर्ष है, जबकि उनकी तुलना में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76 साल है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा की उम्र 74 वर्ष है, जबकि पुरुषों के मामले में यह 71 वर्ष है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्रेजा ने कहा है कि भारत में आमतौर पर महिलाओं का अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है। बच्चे पैदा करने के मामले में फैसले का अधिकार भी भारत में आमतौर पर महिलाओं के बजाय पुरुषों के पास होता है। इसके अलावा भारत में कम उम्र में शादियां होती रहती हैं। इन वजहों से देश की जनसंख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर 4 में से एक महिला की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। मुत्रेजा ने कहा कि भले ही भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों के लिए व्यापक और न्यायसंगत सेवाएं उपलब्ध हों, चाहे वे कहीं भी रहते हों और समाज के किसी भी वर्ग से हों। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लड़कियों और महिलाओं को जल्दी विवाह और गर्भधारण के लिए जबरन नहीं धकेला जाए। थैंक यू।